शिवांगी बेटा, वो अवंतिका यही थी ना, गायब हो गई? नहीं नहीं, गायब नहीं हुई, शायद भाग गई। वो हम सब उन पर रंग लगाने जा रहे थे ना, वो उस तरफ लगता है गुस्सा हो गई हमसे। गुस्से का सैलाब तो अब काली नागिन को आएगा जब उसे पता चलेगा मैं रुद्र के पार्टनर का असली चेहरा नहीं देख सके। रॉकी ने बहुत ज्यादा भांग पी ली है, मैं उसके लिए नींबू पानी लेने जा रही थी। लगता है मैंने भी कुछ ज्यादा, मेरा मतलब है पानी पी ली है। नींबू पानी? मेरे लिए भी नींबू पानी ले आना। जी बड़ी माँ। पर अब ये मक्खी गई तो कहाँ गई? गुरुदेव, जो आपने मंगवाया था वो ले आया। लीजिए, आप ले क्यों नहीं रहे? लीजिए ना गुरुदेव। ये पोटली आपकी है, लीजिए ना। गुरुदेव, गुरुदेव लीजिए ना। शिवांगी, ये क्या, तू इतने रूप क्यों बदल रही है? गुरुदेव, मैं सबके रूप बदल सकती हूँ पर अवंतिका में नहीं बदल पा रही, ऐसा क्यों हो रहा है? अनर्थ। मतलब? मतलब वो लोग अवंतिका की राख तक पहुंच गए, उन्हें पता चल गया है अवंतिका मर चुकी है और तू अवंतिका बनकर उसके रूप में वहां घूम रही है। उन्होंने अवंतिका का मोक्ष कर दिया है, इसीलिए तू अवंतिका का रूप नहीं ले पा रही है। मैंने तो कई योजनाएं बनाई थी कि अवंतिका के रूप में उन कातिलों के बीच रहकर उन्हें मार डालूंगी, मेरी पूरी योजना पर पानी फिर गया। शिवांगी, तू एक नागिन है, हजारों रास्ते और लाखों योजनाएं, और तेरा हथियार तेरी सच्चाई। जीत तेरी ही होगी शिवांगी, सिर्फ तेरी। जी गुरुदेव, एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं दूसरी योजना बनाऊंगी, ऐसी योजना जो उन कातिलों का अंत कर देगी। अरे ओ काली नागिन, तूने मुझे बाहर क्यों बुलाया? तुझे पता है ना अंदर से बाहर तक चलने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। पहले ये बता, तूने उस पे नजर रखी थी ना? वो रुद्र का वो पार्टनर तेरी नजरों के सामने था ना? शिशु बेटा, जा घर के अंदर जा, अंदर जाते ही ना तू सब कुछ भूल जाएगा, जा बेटा। मतलब मोटी ने रुद्र के पार्टनर को देख लिया है, अकेले में बताना चाहती है। मोटी बता, वो तेरी नजर के सामने था? था ना, मेरी नजरों के सामने ही था। मैंने फोन पर बताया था ना कि वो मेरे सामने है, मतलब था। तो तूने क्या देखा, जल्दी बता। हट सामने से। हट गया। अब मेरा मतलब है बच्चे आ गए रंग लेके, तब तक वो मेरे सामने ही था। वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे, फिर वो एक पर्दे के पीछे चला गया, फिर मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि, क्या देखा? मैंने देखा कि वो वहां नहीं था, मतलब वो थी या था, वो वहां से गायब। मोती, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे शिवांगी ने भी यही कहा था, दरअसल उसने यही कहा था कि उन्होंने उस पर रंग फेंका था और रंग से बचने के लिए वो वहां से भाग गई थी। इसलिए तेरी लाइफ में कोई मार्ग नहीं है, तू नजर नहीं रख पाती ना। मेरा मन करता है कि मैं तुझे। रुक 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 काली नागिन, मेरी बात कान खोल कर सुन। रुद्र का वो पार्टनर एक एक करके सबको मार रहा है, देखना एक दिन वो हमें भी खत्म कर देगा। इसलिए वक्त आ गया है कि मैं उसे बुलाऊं, बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सुन, इंपॉर्टेंट काम है, तुझे बात करनी है, जल्दी आ जाना।
गुस्सा मत होना। वो क्या है ना, मैं अपनी जान बचा रही थी, जस्ट कंफर्म कर रही थी कहीं तुम रुद्र के पार्टनर तो नहीं। तुम्हें पता है उस रुद्र के पार्टनर ने वो अवंतिका उस महान मक्खी को मार दिया। हाँ सुन, कहीं उस नाग या नागिन ने तुझे डस तो नहीं लिया ना? जो भी है पार्टनर, उसने अभी तक मेरे साथ तो कुछ भी नहीं किया। और ये लंगड़ाना वो तो इसलिए था कि अगर कोई मुझे यहाँ आते हुए देख ले तो पहचान ना पाए। हाय हाय हाय, बेड़ा गरग हो उस रुद्र के पार्टनर का और बेड़ा गरग हो इस काली नागिन के। और नहीं तो क्या, क्या रॉन्ग टाइमिंग थी मोक्ष देने की? अगर ये सब कुछ तू करेक्ट टाइमिंग पे करती ना तो रुद्र के पार्टनर का चेहरा आज मैं देख ही लेती थी, मेरे सामने आ ही जाता। तूने जो भांग पी थी उसका क्या? मैं जानती हूँ ना वो कौन है, शिवांगी। ना वो मेरे बारे में जानती है, ना तुम लोग उसके बारे में, और मैं कभी बताऊंगी नहीं। मैं शिवांगी को अपना हथियार बनाऊंगी, फिर उसके हाथों तुम सबको मारूंगी और फिर मैं नागमणि लेके चली जाऊंगी। इसलिए तो ये सारा खेल खेल रही है शिवांगी की लाडली निधि चाची, है ना? अमेजिंग होली इन पंच ने, नहीं मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन ये भाई थे कि चलो चलो होली खेल ली ना, अब कल सुबह मुंबई जाना है, चलो। लेकिन सच सच बताना भाई, आपको होली में मजा तो बहुत आया होगा ना? यू नो भाभी के साथ होली के रंग कितना रोमांटिक सीन था ना। वैसे अवंतिका जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो क्या है ना रॉकी, वो मुंबई से अर्जेंट कॉल, मतलब कॉल आ जाता है और अपने साथ ले जाता है, ले गया। मतलब फोन आया और वो गई। कोई बात नहीं बड़ी माँ, मुंबई जाके मिल लेंगे। क्या हुआ बड़ी माँ, आप हाँ कुछ खा क्यों नहीं रही? वो पता नहीं क्यों बेटा, वो जब से मैंने वो ठंडा ही पीना दिमाग में कुछ चढ़ गया है, मतलब भूख ही नहीं लग रही है। सॉरी बड़ी माँ, ये सब है ना इन दोनों की वजह से हुआ है। सीरियसली भाई, ये दोनों है ना, इन दोनों ने ठंडाई में भांग मिलाई थी। क्या भांग? हे भगवान, मेरा धर्म मेरा कर्म सब कुछ भ्रष्ट हो गया है। अरे ऐसी नास्तिक चीजों को आज तक मैंने टच नहीं किया है। ये भांग भी ना नागिन की तरह होती है। कब सामने आके क्या कर जाती है पता ही नहीं चलता। मैंने उस मक्खी पर नजर रखा था, लेकिन पता नहीं कब उड़ गई। वो इन्हें मक्खी ने काटा तो ठंडाई पीने के बाद इन्हें सिर्फ वो मक्खी नजर आ रही है। बड़ी माँ आप भी ना मजाक अच्छा करती है। रॉकी बेटा वो क्या है ना, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ, सर घूम रहा है। बड़ी माँ मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं मैं नहीं छोड़ दूंगी। वो शिवांगी के साथ आज तुमने बहुत डांस किया, तुम थक गए होगे। मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो। अरे मैं ले जाती हूँ। नहीं इन्हें मेरी जरूरत है, मैं ले जाऊंगी। आइए मैं आती हूँ। चाची
वो लोग फिर से कोई साजिश रच रहे हैं। अरे वो काली नागिन, देख तो, रुद्र के पार्टनर को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पागल हुए पड़े हैं, और वहां मेरी गोली बोली निधि शिवांगी के साथ गोल गप्पे लड़ा रही है। रुक, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। जल्दी ऊपर आ, नहीं तो ऊपर भेज दूंगी मैं तुम्हें। किसका मैसेज है? हाँ? वो कस्टमर केयर, वो ऐसे दिन रात तंग करते रहते हैं। चाची आप वहां जाइए, मैं मानसी बुआ के लिए उनके कमरे में खाना लेकर जाती हूँ। अब ऐसे उन पर नजर भी रख लूंगी। शिवांगी नहीं नहीं, तुम ना डाइनिंग टेबल के पास ही रहो, नहीं तो रॉकी को शक हो जाएगा, और रॉकी से ज्यादा यामिनी और शीशा को तुम पे शक होगा। मैं जाके मानसी पे ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, और जैसे ही मुझे कुछ पता चल जाता है मैं तुझे मैसेज कर दूंगी, तुम फटाफट आ जाना। ठीक है? ठीक है। लो, आ गई हमारी चम्मक छल्लो। इस हुड़ी में तो पता नहीं खुद को किस लो की गुड़ी समझती है। एक बात बता, खतरे का ये लाल रंग पहनकर आने की क्या जरूरत थी? तू वैसे नहीं आ सकती थी? खतरे का लाल रंग तो तेरे सर पे मंडरा रहा है, पागल हो गई है? हाँ, ये दिमाग की दही मत करा। तूने ही तो कहा था ना कि रुद्र का वो पाटा इस घर में घूम रहा है, कहीं पे छुपा हुआ है। उसके सामने ऐसे ही आती तो अपना राम नाम सत्य कराने का कोई शौक नहीं है मुझे, समझी? लो, अब डमरू भी ढोल बनकर बजने लगे इस घर में। गलती मेरी है, मेरी, जो इसे अपना पार्टनर बना लिया। अरे जब देखो इस यूनिफॉर्म के पीछे छिपी रहती है, करती धरती तो कुछ है नहीं। मैं चुप कर रही हूँ, तुम लोगों की धरती आसमाई कर दूंगी, और वो रुद्र का पार्टनर, वो तुम्हारी अपनी बहू है, मुझ पे बहुत विश्वास है उसे, और इसी विश्वास के हथियार से तुम सब लोगों को मरवा दूंगी, और फिर वो नागमनी वो सिर्फ मेरी। खंबे की तरह खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो तुम? करंट मार रही हूँ। कितना बोलती है रे तू, हाँ कितना बोलती है, कभी गाली देना कभी धमकी देना, बंदी नहीं होती। बस बहुत हो गया। अरे बड़ी माँ बोल बोल के मेरा मुंह थक गया है, लेकिन बस यामिनी अभी बस। और सुन, तूने कोई अपने दोस्ती खाते में मुझे ये कॉस्ट्यूम नहीं दिया हुआ है, ये मैंने खुद लिया हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ, एक राज आगे। वो राज जो रॉकी के मम्मा पापा ने तुम्हें नहीं बताया, वो राज मैं पता करने वाली हूँ। और ज्यादा शांत पट्टी मत करा तू मेरे साथ, नहीं तो ये राज मैं तुझे पता ही नहीं लगने दूंगी, समझी? अरे राज बताने के लिए तू जिंदा रहेगी तब ना, वो रुद्र का पार्टनर तुझे मार के खत्म कर देगा, फिर होगा क्या, वो राज तेरे साथ ही दफन हो जाएगा। अरे मुझे वो नागमणि चाहिए बस, और उसके लिए मुझे रुद्र का वो पार्टनर चाहिए। अब तू ये सोच कि हम वो नागमणि कैसे हासिल कर सकते हैं, वरना कुछ भी सोचने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। वैसे भी खा खा के सांड की तरफ पुकती जा रही है, जा जाकर मेहनत कर। क्या मतलब, तू कहना क्या चाहती कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे शिवांगी का पति बनकर रॉकी के कपड़े पहन के मैंने शिवांगी की माँ को मारा था, मैंने। चुप कर, तूने अकेले नहीं मारा था, हम सब ने मिलकर मारा था। और देख अब मेरा मुंह मत लगा, वरना नागमणि छूने की बात तो तू छोड़ ही दे, तू नागमणि को देखेगी भी नहीं। तुम दोनों उस नागमणि को छुओ, उससे पहले मैं तुम दोनों को मार दूंगी। सोच तो ऐसी रही हो जैसे किसी को टपकाने वाली हो। तुझे मेरा मतलब है, तुझे क्या चाहिए? रुद्र का पार्टनर चाहिए ना? हाँ, मिल जाएगा, मैं भी तो उसी को ढूंढ रही हूँ। लेकिन मेरी माँ ऐसे बार बार फोन करके मुझे यहाँ मत बुलाया कर, क्योंकि रुद्र के पार्टनर को अगर शक भी हो गया ना तो तुम दोनों के सामने नहीं आएगा। हाँ? तेरा अकल से काम ले, अकल से। हाँ? हो गया ना, जाएगी, जाना। अब देखो धमकी देती रहती है, जाना। जाती हो तो रोब झाड़ती रहती है। दुनिया को लगता है
कि ये बहुत भोली है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बंदूक की गोली है, लेकिन इसमें बारूद भरा किसने? हाँ पता है, मैंने इसका खूनकरण मैंने ही किया, मैंने मैंने मैंने। तू हंस मत काली नागिन। यामिनी अपने आप को समझती क्या? जब देखो मुझे धमकी देती रहती, ये शिवांगी के हाथों ना पहले इसी को मरवा दूंगी। यामिनी खत्म तो सब कुछ खत्म। मानसी बुआ, आज मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगी, फिर इसे मारते वक्त मुझे पछतावा नहीं होगा कि मैंने किसी निर्दोष की जान ली है। शिवांगी ने मुझे देख लिया, इसे गुमराह करना होगा। अभी अभी तो यही थी, कहां गई? चाची? हाँ, आप इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? वो मैं तुम्हारे पास ही तो आ रही थी ये बताने कि मानसी अपने कमरे में नहीं है। क्या, अभी अभी तो वो यही थी और आप भी तो यहीं से आ रही हैं? आप उनसे मिली नहीं? नहीं तो मैं मानसी के कमरे से ही आ रही हूँ और वहां पे तो कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मेरे साथ। अभी तो मैंने यही, वो आठवां कातिल अभी यही आया था, पता नहीं कहाँ उसके पैर में चोट लगी थी। मानसी बुआ के पैर में भी चोट लगी, वो लंगड़ा के चल रही है। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है कि वो आठवां कातिल मानसी बुआ ही है। नहीं शिवांगी, इस तरह जल्दबाजी में कोई फैसला करना ठीक नहीं होगा। क्या पता वो आठवां कातिल हमें चकमा दे के कहीं गया हो। आपको अब तक मेरी बात पर विश्वास नहीं है? अच्छा ठीक है, अगर वो यहाँ आया था फिर कहाँ है वो? हा? चल ढूंढते हैं हम उसे। चल तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बुआ वो आपके लिए खाना लेकर आए थे। ना ना, नहीं नहीं शिवांगी, दो बार नहा चुकी हूँ मैं, ना पैर दुख रहे, फिर भी बच्चों ने आज इतना रंग डाला ना मेरे ऊपर कि मुझे दो बार नहाना पड़ा। अरे मानसी, खाना खाना तो भाभी ऐसा बोलो ना, लाओ बहुत भूख लगी थी मुझे। आप कहीं गई थी? दही? हाँ दही खाऊंगी ना, तुम्हें खुलाए क्यों नहीं, ले आओ खाओ खाओ। अरे दही भिजवा देना। चाची मैं जानती हूँ कि आप मेरी बात नहीं मानेंगी, मानसी बुआ और आप बहुत क्लोज हैं, पर मेरा यकीन कीजिए वो आठवां कातिल वही है। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है मानसी पे, शायद तुम सही कह रही हो। पर आप निश्चिंत रहे, मैं पूरी तसल्ली किए बिना उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। एक बात कहूं, मानोगी? कहिए ना। इन सब ने मिलके तुम्हारी माँ को इतनी बेरहमी से मारा है, लेकिन अभी भी तुम अपना बदला पूरा नहीं कर पाई हो। मानसी के बारे में तो अभी भी तुम श्योर नहीं हो कि वो आठवां कातिल है भी कि नहीं, लेकिन इन सब खून खराबे के पीछे वो कातिलों की सरदार यामिनी, वो तो अभी भी जिंदा है। तुम पहले उसे क्यों नहीं मार देती? वही तुम्हें बार बार रोक रही है बाकी कातिलों के पास जाने से। मारूंगी उसे तो बहुत बुरी मौत मारूंगी, पर अगर अपने दुश्मन को खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी सेना को खत्म करो। मैं भी यही करूंगी, पहले शीशा और मानसी मरेगी, उसके बाद यामिनी की बारी। भगवान,
कितना दुख रहा है मुझे। भगवान, सोच रही थी कि तुझे सबसे आखिर में मारूंगी, बट आई एम सो सॉरी मानसी, लेकिन शिवांगी को शक है कि तू ही आठवां कातिल है, तो तू मर गई तो उसके लिए आठवां कातिल मर जाएगा और फिर मैं से, इसलिए मुझे अब पहले तुझे ही मरवाना होगा। मानसी, हे भगवान, इस घर में किसी को किसी चीज से दर्द होता है ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ भाभी, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ? वो बाबा जी ने कुछ चेतावनी दी थी ना? हाँ, बाबा जी का ये कहना है कि लाल रंग तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ है, तुम्हें ना अपने सारे कपड़े जला देने चाहिए, मतलब लाल रंग के। थैंक गॉड, मेरे पास तो लाल रंग के कपड़े है ही नहीं। अच्छा, वो है ना, वो देख। नहीं नहीं भाभी, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता किसका है। तेरा नहीं भी होगा तो तेरे कमरे में है ना, चला दे इसे। देख मानसी, इसी लाल कपड़े की वजह से आज तेरे पैर में चोट आई है, कल फिर सर फूटेगा, फिर छत टूटेगी। हे भगवान, फिर पता नहीं और क्या क्या होगा। नहीं नहीं, नहीं भाभी, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। हाँ, आप प्लीज चलिए, हम दोनों मिलकर ये लाल रंग का कपड़ा जला देते। बाबा जी का ये कहना है कि ये कपड़े तुझे अकेले ही जलाने पड़ेंगे, नहीं तो तेरे सर के ऊपर आधी बला मंडराती रहेगी। नहीं नहीं, मैं तो पूरी बला को अपने सर से उतारना चाहती हूँ भाभी। हाँ, मैं अकेले जाकर ये कपड़े जला दूंगी। हाँ, आराम से आराम से। हाँ, क्या है ये लाल रंग, पता नहीं किसका है ये, मैं जाकर जलाती हूँ। हाँ हाँ, मानती जा, जा कपड़े जला, इसके बाद कोई तुझे जलाएगा। जा, आज तेरा काल आएगा। क्या हुआ निधि चाची, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? शिवांगी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने मानसी का पीछा किया और मैंने देखा कि वो अपने ना पल्लू में कुछ छिपा के अचानक अपने कमरे से निकली, और फिर मैंने देखा कि वही लाल वाला जैकेट जो तुमने कहा था। देखिए, अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि यही वो आठवां कातिल है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मानसी को समझ में आ गया है कि किसी को उस पर शक है, इसीलिए सबूत मिटा रही है। आज मैं इसे मिटा दूंगी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि यही मेरी माँ की आठवीं कातिल है। और अगर अब भी आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है तो मैं अभी इसी के मुंह से सच उगलवाती हूँ, फिर इसे मारूंगी। अब देखिए कैसे ये सच बताती है। ओ गॉड, ये मानसी क्या उगलेगी, वो तो कुछ जानती ही नहीं। मुझे शिवांगी को यहाँ से ले जाना होगा, वरना आज मेरा सच इसके सामने आ ही जाएगा, और उसके बाद उसे उतनी ही बेरहमी से मारूंगी जैसे इसने और इसके साथियों ने मिलकर मेरी माँ और रुद्र को मारा था। मेरी पोल खुल जाएगी। अरे बुआ, संभल के, अगर आग लग जाती तो। मगर ये आग कैसे? तुझे कैसे बताऊं रॉकी, बस तू इतना समझ
कि मेरे सर पर जो बला थी ना उसे मैंने जला दिया है। मैं समझा नहीं। हाँ तो मत समझना, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरी समझ में नहीं आई आज तक, तो तेरी समझ में नहीं आया ना कुछ तो अच्छा है। इट्स ओके बुआ, देखिए आपको अगर नहीं बताना है मत बताइए, लेकिन इतनी रात गया बाहर क्या कर रही है? आप अंदर चलिए, कल वापस मुंबई जाना है हमें। आइए। हाँ एक मिनट रुक। चलिए। And finally, we are back home. Yes. But seriously, guys, मजा आ गया पंचमिया की हवेली में, नहीं? मुझे तो समझ में नहीं आता, पता नहीं भाई को हवेली क्यों नहीं पसंद आता। I swear यार, लेकिन मुझे तो वो हवेली बहुत ज़्यादा पसंद है। I love it. इसे क्या हुआ? पता नहीं, लगता है पार्टी में कुछ उल्टा सीधा खा ही लिया होगा। वेट, मैं देख के आती हूँ। गौतमी, you okay ना? हाँ, शायद ट्रैवलिंग की वजह से। चलो कोई बात नहीं, याद ही आ लिया, बचपन में मुझे भी ट्रैवलिंग से एलर्जी होती थी। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे नींबू पानी बना के लाती हूँ। हाँ, और मैं पैक अनपैक करती हूँ। मुझे सुशांत से बात करनी होगी, पता नहीं क्या कहेगा, लेकिन मुझे बताना होगा। हाय स्वीटहार्ट, What's up? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला इसे सुबह सुबह मुझे मिलने मत बुलाया करो। अब मिल ही गए हैं तो क्यों ना कोई अच्छी चीज करें। बताओ क्या तुम मूड में आ गई हो? सुशांत मैं इट्स ओके गौती डार्लिंग, अगर तुम्हें फिर से उस रात वाला मूड है तो बस इशारा कर दो। देखो शर्मा वर्मा मत, आई एम ऑलवेज रेडी। मैं प्रेग्नेंट, मैं पहले श्योर नहीं थी, बट मैंने चेक किया एंड इट्स पॉजिटिव सुशांत। कांग्रेचुलेशंस, सबको मिठाई खिलाऊं? सुशांत ये मजाक नहीं है, प्लीज बी सीरियस, ये तुम्हारा बच्चा। तो मैं क्या करूं, नाचू? मेरा बच्चा, अरे अभी तो हम खुद बच्चे, हमारे खेलने कूदने की उम्र है, तो अभी हम बच्चे के बारे में क्यों सोचे? आई मीन टू से मैं क्यों सोचूं? देखो अब ये बच्चा तुम्हें आया है तो देख लो तुम, तुम्हें क्या करना है। It's your problem, not mine. अगर तुम्हें रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो। You know what? You are disgusting. और मैं पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचने लग गई थी। मक्खी, हाय मेरी मक्खी, तुम वापस आ गई। मैं जानती थी तुम मर नहीं सकती। अरे तुम मेरी असिस्टेंट है, असिस्टेंट हमेशा अपने बॉस के साथ रहते हैं। आजा मेरी मक्खी, आजा। ये ओवर एक्टिंग की दुकान, हर मक्खी अवंतिका नहीं होती, ये एक साधारण मक्खी है जो कूड़े और कचरे पर मंडराती रहती है। कूड़ा? तूने मुझे कूड़ा कचरा कहा? हाँ कहा, तो दिमाग तो चलता नहीं है तेरा, बस जुबान चलता है। तो अगर सारी प्लानिंग मैं ही कर रही हूँ तो तू मेरी असिस्टेंट किस बात की? हाँ देख, ये नाग वाग पकड़ना मेरा काम नहीं, ये तेरा काम है, तू जा जाकर पकड़। पहली बार तूने अकल की बात की है मोटी। मैं 118 साल पुरानी नागिन। 119 मेरी बर्थडे भूल गई तू? नहीं यस, सिर्फ मैं ही तो हूँ, नाग पकड़ने का काम मेरा ही, तो जाना जाकर पकड़। बड़ी माँ, आपके लिए दवाई लाई थी मैं। अच्छा, सारे कपड़े फाड़ के आ गई? और ये लाल रंग छोड़ आई? ओए, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, पकड़ने वालों में से हूँ, समझी? चल पकड़ अपनी दवा। अच्छी खासी प्लानिंग चल रही थी हमारी, पता नहीं बीच में कहाँ से आ टपकी। नहीं नहीं सुन, बीच वाली वो क्या है ना, ये काली नागिन, वो नाग या नागिन, मेरा मतलब है रुद्र के पार्टनर को पकड़ने वाली है। कब कहाँ कैसे ये काली नागिन तुझे बताएगी, बता ना। आज पूर्णमासी की रात है और आज हम नाग नागिन अपनी केंचुली पटकते हैं। आज सूरज ढलते ही ठीक शाम 7 बजे
हमारी पुरानी केंचुली उतरने लगेगी और तब 15 मिनट हमारी शक्तियां कमजोर हो जाती है। आज मेरे साथ साथ वो इच्छाधारी नाग्या नागिन अपनी केंचुली बदले का। वो नाग्या नागिन हर वक्त हमारे आसपास होता है तो ऑब्वियसली आज भी वो यही होगा। और जैसे ही वो अपनी केंचुली बदलने के लिए अपने नाग्या नागिन रूप में आएगा तब बोटी तब हा? अपना उल्लू छोड़ देना। उल्लू आशीषु बेटा आजा इधर आ आजा आजा। यो बड़ी माँ। यो यो आ गया मेरा प्याला शान्याला शा उल्लू। बड़ी माँ देखो उल्लू मत बोलो मैं बहुत स्मार्ट हूँ आपको पता नहीं है। तू बहुत स्मार्ट है तू बहुत इंटेलिजेंट है एक तू ही है जो इस घर में सब कुछ है नीचे से ऊपर तक नीचे अरे नीचे मेरा दिमाग गिर गया। हाँ कहाँ कहाँ बड़ी माँ वेर कहाँ कहाँ है अरे नीचे ये देख 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 यहाँ यहाँ अरे देख ना ढूंढ बराबर से हे भगवान ऐसे तो शिवांगी पकड़ी जाएगी और मुझे नागमणि कभी नहीं मिलेगी। देख चमक छल्लो तू तो उड़ी पहन के दिन रात चिल्लर बन के घूमती रहती है। देख मैंने कैसे बड़े बड़े किलर्स पाल रखे हैं। ऐसे खतरनाक जानवर दिन रात मेरी ड्यूटी बजाती है जिसकी बोलती हूँ बजा कर आते हैं। देख तो कैसे फड़फड़ा रहा है। आज वो जो भी हो नाग या नागिन ये उसे पकड़ लेगा। नहीं वो नहीं पकड़ा जाएगा मैं तुम लोगों को उसे पकड़ने नहीं दूंगी। जा जल्दी जा दरवाजे बंद कर करा जा ना। हाँ यामिनी और शेषा भी बाहर गई हैं। इस उल्लू को भी बाहर भेज देती हूँ या तो ये उड़ जाएगा या बच्चे इसे मार देंगे। अरे ये उड़े या मरे मुझे क्या बस रात को शिवांगी को ना पकड़े। देखो अभी मुझे नहीं ये उल्लू उल्लू मत बोला कर। एक तो तेरे सारा काम मैं करूं तू मिस उल्लू है। मैगजीन भी संभाल के नहीं रख सकती मिस उल्लू तू उल्लू 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 वो तो नहीं उल्लू फिर बोली तू उल्लू की पट्टी देख उल्लू हे शिव जी उल्लू तो नाग का दुश्मन होता है ये यहाँ कैसे। मुझे ठीक 7 बजे अपनी केचुली उतारनी है उस वक्त मेरी शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी। उससे पहले ही मुझे मानसी से सच भी उगलवाना है कि वही 8वीं कातिल है पर इस उल्लू से कैसे बचूं। भाई मोटे तेरा ये उल्लू बाहर कैसे आया। अरे हाँ अरे ये उल्लू घर में कैसे आया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो तुम अंदर जाओ मैं संभालता हूँ जल्दी। मोटी सुन तू अंदर जा और उसका पंख उठा और जाके तेरे शिशु के पास रख दे ठीक है। और हाँ 7 बजे तक अपने शिशु के पास से मिलना मत जा। मुझे बहुत डर लग रहा है।
जाओ ना, उल्लू चला गया, जाओ। रॉकी के सामने नागिन रूप में भी नहीं आ सकती। ये रुचिका संभल के। सॉरी, मैं यहीं सो गया। सोया नहीं, नशा, भांग का नशा। लगता है कल रात की तेरी अभी तक उतरी नहीं। ए, कहां जा रहा है तू? हाँ? जब तक तू पूरी तरह होश में नहीं आ जाता ना, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। तू बाहर जाकर फिर से कोई तबाही मचाई तो? नहीं 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 नहीं, तू एक काम कर, जब तक तू पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा ना, तू मेरी नजरों के सामने ही रहेगा। नहीं बड़ी माँ, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू मेरी बात सुनेगा। जा जाकर बैठ रहा जा। उल्लू को भागा के भी कुछ फायदा नहीं हुआ, शिवांगी तो अभी भी खतरा है। जहरीले लेप से थोड़ी देर के लिए मानसी के होश उड़ जाएंगे, वो पूरी तरह मेरे वश में हो जाएगी, फिर मैं उसके मुंह से सच उगलवा के उसे मार दूंगी। 7 बजने से पहले मार दूंगी। 7 बजे मेरी केचुली बदलने का वक्त हो जाएगा। क्या हुआ रॉकी? पता नहीं, वो लगता है उल्लू को भगाते वक्त थोड़ा क्रैम से आ गया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं मानसी बुआ के कमरे में जा रही थी, उनके पैर में चोट लगी है तो तुझे ये लेप लगा दो। एक काम करो, ये लेप थोड़ा यहाँ भी लगा दो ना, बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे। नहीं, चोट तो ये लेप लगाने से लगेगी। अब रॉकी, ऐसे कैसे, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम जाओ चेंज कर लो, फिर तसल्ली से लगाती। ठीक है, फिर चले। मेरे कहने का मतलब है कि कितनी फिक्र है तुम्हें सब घर वालों की, यही फिक्र मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा। आज मैं मेरे एक और दुश्मन को मार दूंगी, आज मेरा एक और इंतकाम पूरा हो जाएगा। शिवांगी, मुझे तुझसे एक बात करनी है। अभी नहीं गौतम, मैं मुझे बहुत जरूरी काम करना है, बाद में। हाँ। हे भगवान, सारे मुसीबतों के पहाड़ मेरे परिवार पर ही टूटने थे क्या? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरे परिवार को। एक नागिन की नजर, इस नजर में आज भी कैद है तेरी माँ की कातिलों के चेहरे। उनमें से एक कातिल तू है मानसी, आज तेरी मौत आई है। 7 बज गए, मेरी केचुली उतरने वाली है। मुझे मुझे जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। यही प्रार्थना करती हूँ भगवान, सब कुछ ठीक कर देना बस। बज गए, 7 बज गए, अब उस माँ की 12 बजेगी। मेरी केचुली उतरने वाली है, तू जा। वो पुत्र का वो पार्ट ना, वो भी अपनी केचुली बदलने वाला होगा, तू जाके उसे देख। ठीक है। रुक, अब क्या हुआ? अपने उस उल्लू को साथ ले जा, वरना ही मुझे ही मार देगा।
ए उल्लू, उल्लू चल उठ, चल मेरे साथ, जब देखो एक ही जगह देखता रहता है, चल। अरे शिवांगी क्या हुआ? चाची चाची ये मेरी खिचुली बदलने का समय है, मुझे घर से बाहर जाना है। नहीं नहीं शिवांगी, मेन रोड की तरफ तो बिल्कुल मत जाना, यामिनी वहीं पे खड़ी है और वो उल्लू जो यहाँ घूम रहा था वो भी यामिनी का ही लाया हुआ है। शायद शेषन ने यामिनी को बता दिया कि आज की चूली बदलने का दिन है, आज आज वो लोग मुझे पकड़ सकते हैं। मैं अपने कमरे में भी नहीं बदल सकती, रॉकी वहाँ है और किसी और का कमरा सुरक्षित नहीं है, मैं क्या करूँ? अब तुम एक काम करो, तुम छत पे क्यों नहीं चली जाती है? वहाँ कोई नहीं आएगा। पर कोई आ गया तो? अब क्या करें, और कोई जगह भी तो नहीं है ना। ठीक है वहीं जाते। हाँ चाची। हाँ थैंक यू, आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। अरे शिवांगी मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही था, तुम कातिलों को मार क्यों रही हो? तुम्हारा साथ तो देना ही था मुझे, है ना? थैंक यू। मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरा साथ दे रही हो शिवांगी, तुम तो जानती भी नहीं कि तुम्हारे ही हाथों में उन सबकी जान ले लूंगी और फिर नागमनी